स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लुसेंट जीके और स्पीडी जीके के लाइव टेस्ट के लिए ये तीसरी वीडियो लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड है और आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर फिलहाल तीन वीडियो आपको पर डे मिलती हैं। पहली वीडियो मिलती है करेंट अफेयर के लिए जो कि मिलती है सुबह 5 बजे, दूसरी वीडियो मिलती है आपको शाम को 3:30 पर और तीसरी वीडियो मिलती है शाम को 8:30 पे। जो शाम को 8:30 पे वीडियो मिलती है यह लाइव टेस्ट के रूप में होती है, तो आप इस समय आके अपना टेस्ट दे पाएंगे। आज की यह वीडियो भी एक लाइव टेस्ट की तरह होगी जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करें उससे पहले इसे जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। जिन क्वेश्चनों में ऑप्शन की ज़रूरत होगी हम आपको ऑप्शन देते रहेंगे, तो आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। क्वेश्चन है कि दालें किसकी अच्छी स्रोत होती हैं, मतलब कि दाल में हमें सबसे बढ़िया क्या मिलता है। चलिए हम आपको ऑप्शन दे दे रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट। आपको अपना उत्तर इन्हीं ऑप्शनों में से कमेंट करके बताना होगा कि दाल में सबसे अच्छा क्या मिलता है। और हम यहाँ 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं वो लोग तो अभी कमेंट कर पाएंगे, लेकिन जो वीडियो को बाद में देखेंगे कल परसों या फिर कुछ दिनों बाद, वो लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उस समय जो लाइव चैट बॉक्स होता है वो डिसेबल हो जाता है। तो इसके लिए सही उत्तर है प्रोटीन। देखिए जो दाल होती हैं ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत होती हैं। इनमें पाया तो जाता है विटामिन भी, मिनरल भी, कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत अगर पूछा जाएगा तो प्रोटीन इसमें सबसे बढ़िया पाया जाता है। दाल के साथ साथ जो सोयाबीन होता है इसमें भी प्रोटीन सबसे बढ़िया पाया जाता है। और सोयाबीन के लिए या फिर दाल के लिए कौन सा जो स्टेट है जाना जाता है, तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मतलब कि इसकी राजधानी है भोपाल, तो ये मध्य प्रदेश को सोया रीजन भी कहते हैं। और इसका यही कारण है क्योंकि ये दाल और सोयाबीन के लिए जाना जाता है। और देखिए होता क्या है कि 14 से 15 साल तक के बच्चों में जो ग्रोथ होती है होती है, मतलब कि जो लंबाई बढ़ती है आप देखेंगे कि ये 14 से 15 साल तक ही बच्चों में बढ़ती है। ऐसा नहीं होगा कि 25 साल के बाद भी आपकी लंबाई बढ़ रही है। तो कहा जाता है कि 14 से 15 साल तक आपको बच्चों को कम से कम ज़्यादा से मतलब कि दाल तो ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए ताकि उनकी जो भी ग्रोथ होनी है आसानी से हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ पर संचित होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा गया है, तो आपको अपना ऑप्शन अपना उत्तर अच्छे से कमेंट करना होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि पित्त रस कहाँ पे संचित होता है, तो चलिए ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है यकृत, लीवर, पित्ताशय या फिर आंत। पित्त रस कहाँ पे संचित होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछेगा, पूछेगा कि किससे स्रावित होता है, तब सही उत्तर क्या होगा, तब सही उत्तर होगा यकृत। पूछेगा कहाँ पे संचित होता है मतलब कि इकट्ठा होता है, तो इसके लिए क्या सही उत्तर होगा आपको इसमें से कमेंट करके बताना होगा। तो अगर संचित रहने की बात पूछा जाता है तो इसके लिए सही उत्तर है पित्ताशय में। पित्ताशय में जो पित्त रस होता है वो संचित होता है। तो आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में उपस्थित जो अम्ल होता है यह कौन अम्ल होता है, तो इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे उत्तर कमेंट करके बताना होगा। नींबू और संतरा, तो देखिए जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। और अम्ल से आप समझ सकते हैं कि जो पीएच वैल्यू 0 और 7 के बीच हो इन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो नींबू और संतरे में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम रेशा संश्लिष्ट रेशा क्या है। ऑप्शन है जूट, रेयान, नायलॉन और नॉन ऑब्जीज।
जूट, रेयान, नायलॉन या फिर नानाधेज मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? तो इसके लिए सही उत्तर है नायलॉन। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि जीन परिवर्तन किसमें होता है? जो जीन परिवर्तन होता है ये किसमें होता है? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। ये आपके ऑप्शन है। उससे पहले अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो इसे जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और जो भी आपके दिमाग में आंसर आ रहा है कमेंट करके बताते रहिए। यहाँ पे तो हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं तो अब तो आपको कमेंट करके बताना ही चाहिए। कुछ लोग केवल इसलिए कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गलत हो जाएगा तो मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलती से डरने से नहीं होगा। अगर आप अपनी गलती को बाहर निकालेंगे तभी वो ख़त्म होगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना ही चाहिए। तो इसके लिए सही उत्तर है जीन परिवर्तन। तो जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। देखिए जो भी जीन या फिर मतलब कि पिता का गुण उसके बेटे में जाए या फिर पता चले कि ये इन्हीं का लड़का है, ये सब डीएनए से ही होता है। और डीएनए से एक क्वेश्चन बनता है कि डीएनए में जो द्विगुणित संरचना है इस तरह की, ये किसने दिया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या आपको पता है कि ये संरचना किसने दिया था? तो ये दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। वाटसन और क्रिक के द्वारा ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अस्थियों एवं दांतों में मुख्य अवयव क्या होता है? अस्थियों और दांतों में मुख्य अवयव क्या होता है? चलिए ऑप्शन दे देते हैं। फास्फोरस, प्रोटीन, मिनरल और खनिज। ये आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन इतने इजी तरीके से मतलब कि इतना दूर दूर है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। आप देखेंगे तो आसानी से आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो अस्थियों में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कैल्शियम ना दे तो आपको फास्फोरस टिक करना चाहिए। अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है। लेकिन जब कैल्शियम ऑप्शन ही नहीं रहेगा तो आपको फास्फोरस ही टिक करना होगा। यानी कि इसका सही उत्तर है कैल्शियम और इससे थोड़ी कम मात्रा में पाया जाता है फास्फोरस। आगे बढ़ें तो आगे है कि जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? जुड़वा खनिज मतलब कि दो लोग हो, जुड़वा मतलब कि दो लोग होते हैं, तो जुड़वा खनिज किसे कहते हैं? सबसे पहले जान लीजिए खनिज क्या होता है। तो खनिज मतलब कि जो हमें खुदाई के दौरान मिलता है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं जिस रूप में, जरूरी नहीं कि ये उसी रूप में हमें धरती से मिला हो। जैसे जो एल्युमिनियम होता है हमें धरती से किस रूप में मिलता है? तो ये मिलता है बॉक्साइट के रूप में। तो यहाँ पे उसी तरह जो हमें खनिज मिलता है जिसको हम अयस्क भी कहते हैं, तो जुड़वा खनिज कौन सा है? अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है ए जी ए यू, ए एल प्लस बी आर और यहाँ पे टीन, टीन और लेड और चौथा ऑप्शन है सीसा और जस्ता। अब बताइए। तो सही उत्तर है सीसा और जस्ता। जुड़वा खनिज कहते हैं सीसा और जस्ता को। देखिए जस्ता से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ता से ये पूछा जाएगा कि जब हम किसी लोहे के पदार्थ पे या फिर लोहे पे जिंक का एक लेप चढ़ाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है गैल्विनीकरण। मतलब कि इसे क्या होता है, इसकी चढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि उससे जंग से बचाया जा सके। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? लूनर कास्टिक ऑप्शन है ए जी, ए यू, बी आर और एम जी। लूनर कास्टिक किसका अवयव यौगिक है? तो यह है सिल्वर का। लूनर कास्टिक सिल्वर का एक यौगिक है। सिल्वर मतलब कि चांदी होता है जिसे हम एजी से डिनोट करते हैं। गोल्ड को एयू से डिनोट करते हैं। एयू मतलब आरम होता है, लैटिन नाम इसका है। तो अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द जो कैट होता है स्कैन, इसका फुल फॉर्म क्या है?
आपको सीधे सीधे कैट का फुल फॉर्म बताना है, और इसके लिए कोई ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से धुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको अपना उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ये जो कैट शब्द है ये डॉक्टर यूज करते हैं, और ये एक तरह का स्कैन है। तो चलिए, सही उत्तर है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से बेहतरीन बनता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, यहाँ तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, आप अपना उत्तर कमेंट करके बताइए, देखते हैं। देखिए, कई बार लोग इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन ट्रिक कर देते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हालांकि इसका ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है, ये है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आपको वहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड। तो लोगों को ऑटोमेटिक ज़्यादा आसान लगता है और लोग इसे ट्रिक कर देते हैं, जो कि गलत होता है। तो एटीएम का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है कि कपास प्राप्त होता है, जो कपास हमको प्राप्त होता है, कपास जिसे आप देखते हैं, ये कहाँ से, पौधे के किस भाग से मिलता है? ऑप्शन है जड़ से, बीज से, तना से, या फिर फूल से। आपको एग्जैक्ट उत्तर कमेंट करके बताना है, जो कपास होता है किससे मिलता है, जड़, बीज, तना और फूल। तो कपास मिलता है आपको बीज से, जो उसका बीज होता है कपास का, उसी जब वो मतलब फटता है तो उसमें से कपास मिलता है। और अगला क्वेश्चन है, ये कैंडिला मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है? बेहतरीन क्वेश्चन, और इसके लिए ऑप्शन की तो जरूरत ही नहीं है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लंबाई का मात्रक क्या है, और तो इसके लिए ऑप्शन देने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे जो आपको सात भौतिक राशियाँ पढ़ाई जाती हैं, उन्हीं में कैंडिला भी होता है। तो कैंडिला मात्रक है किसका? तो ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व के नियम को किसने दिया था, जड़त्व के नियम को? चलिए ऑप्शन दे दें, तो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि सीधे आपको नाम बताना है। जिस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन रह रही है, उसी में मुख्य वाला आपको ऑप्शन देंगे। तो जड़त्व के नियम को दिया गया था गैलीलियो के द्वारा। हालांकि देखिए, जड़त्व के नियम मतलब कि कैसा होता है, तो यह न्यूटन के पहले नियम के जैसा होता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। तो जड़त्व का नियम जो कहता है, सेम टू सेम न्यूटन का पहला नियम भी वही कहता है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता क्या है, कि जब तक कोई वस्तु रुकी है वो रुकी रहेगी, जब तक कोई वस्तु चल रही है वो चलती रहेगी, तब तक कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा के उसे रोका ना जाए। तो ये होता है जड़त्व का नियम। और जड़त्व के नियम के कई ढेर सारे उदाहरण भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, जब ट्रेन रुकती है तो आप अचानक आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब ट्रेन चल रही थी और ट्रेन रुकी तो आप आगे की तरफ झुक गए, क्यों? तो ये है जड़त्व के नियम के कारण। ये पूछा जाता है कभी कभी कि ट्रेन चल रही थी और अचानक रुक गई, तो आप किधर झुकेंगे, आगे या फिर पीछे? तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन जिस दिशा में जा रही थी आप उसी दिशा में झुकेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि एक घोड़ा है, इस पे एक व्यक्ति बैठा है, मतलब एक ही उदाहरण है, बस उसका नाम चेंज करके पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्नों का सही उत्तर होता है जड़त्व। अगला है कि ओजोन परत आपको किससे बचाती है? तो इसके लिए भी ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ऑप्शन चाहिए ही तो ऑप्शन ले लीजिए। ओजोन परत किससे बचाती है, मतलब कि इसमें से, ये तो ओजोन परत है O3, लेकिन ये बचाती किससे है? तो ये बचाती है पराबैंगनी कीड़ों से, जो सूर्य की पराबैंगनी कीड़े आती हैं ओजोन परत, उससे, जो धरती के जीव जंतु पौधे सबको बचाती है, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों को, ये सबको बचाती है। अगला है कि बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, सबसे गर्म चुंबकीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा उपग्रह, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑप्शन है कि
सबसे गर्म चुंबकीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा उपग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण। तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो बुध ग्रह है इसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है ये ज़्यादा पावरफुल है और ये सबसे सूर्य के नज़दीक में होता है। जैसे कि यहाँ पे सूर्य है तो यहाँ पे बुध हो जाएगा, यहाँ पे शुक्र हो जाएगा, यहाँ पे पृथ्वी है और इसके बाद मंगल है। देखिए चार ग्रह कुल मिला के इस समय 8 ग्रह बचे हैं, क्योंकि 2006 से पहले ये 9 ग्रह हुआ करते थे, एक लास्ट में यम होता था, लेकिन इस यम को हटा दिया गया। यहाँ पे चेक गणराज्य एक कंट्री है, वहाँ पे एक मीटिंग हुई थी और वहाँ पे ये घोषित किया गया कि जो यम है ये मतलब कि एक ग्रह, मतलब ग्रह नहीं हो सकता। तो हालांकि ये नहीं है कि यम इस समय नहीं है, यम इस समय भी है, लेकिन इसे केवल ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया। और क्योंकि जो ग्रह के लिए रूल बनाए गए, जो ग्रह की एक परिभाषा बनाई गई उसका ये फॉलो नहीं करता है, ये दूसरे ग्रहों का चक्कर काटते समय उनकी कक्षाओं को काटता है या फिर छोटा है, इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखेंगे आपकी 8 ग्रह बचे हुए हैं, 4 और 4। पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं किन किन ग्रहों के बीच, इस तरह पूछा जाता है। तो बस आप ये जान लीजिए कि जो 8 ग्रह हैं उनमें से 4 के बाद और 4 से पहले, जो यहाँ पे बीच में स्पेस है, इन्हीं में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला है कि मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। जो मीथेन गैस है CH4, इसका जो बादल है किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है। और अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो चलिए ऑप्शन आपके हैं पृथ्वी, ये तो बहुत आसान हो गया, बुध, अरुण, वरुण और अरुण। मीथेन गैस का बादल, तो मीथेन गैस का बादल है वरुण के चारों तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है। ऑप्शन है चुंबकीय गुण, पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन तो बहुत बार हम कवर कर चुके हैं, और मैग्नेट, बस आपको इसी में से बताना है। तो देखिए कोई भी तरल की बूंद जो गोलाकार रूप धारण करती है इसका कारण है सरफेस टेंशन, मतलब कि पृष्ठ तनाव। और पृष्ठ तनाव से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि हमको गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडे खाने की अपेक्षा, तो ऐसा क्यों है। तो ऐसा भी है पृष्ठ तनाव के कारण, और इस तरह के कई क्वेश्चन सरफेस टेंशन से पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। चलिए ऑप्शन है निकिल और क्रोमियम, एल्युमिनियम और ब्रोमीन, सोडियम और क्लोरीन, और इनमें से कोई नहीं। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। तो इसके लिए सही उत्तर है निकेल और क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय कौन सी गैस निकलती है। तो ये तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके लिए ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण मतलब होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण मतलब ये होता है कि पौधों का खाना बनाना, जो पौधे होते हैं जो अपना ना भोजन बनाते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है ये भी कभी कभी पूछा गया है, तो ये केवल दिन में होगा क्योंकि इसके लिए सबसे जरूरी है सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश केवल और केवल आपको दिन में ही मिलेगा। तो सूर्य के प्रकाश के साथ इसको और कई चीज़ें लगती हैं, जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है लेकिन हमें देता है ऑक्सीजन। हालांकि रात के समय ये पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आपको पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। तो अगला क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे का नाम बताइए। तो आप कमेंट करके बताइए, यहाँ पे ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन देखते ही उत्तर पता हो जाना चाहिए, इसके लिए ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए सही उत्तर है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस आशा है कि आपने जरूर सुना होगा ये नाम। अगला है कि पित्त किसमें जमा होता है, वही क्वेश्चन जो शुरू में आया था, पित्त किसमें जमा होता है। तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ
अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव। तो चलिए आपको ऑप्शन देते हैं, NH3, Al2 3 और SO3 और CH4, अतिशीतित द्रव, यह है आपके ऑप्शन। तो ऑप्शन देखने के बाद तो ये बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए सही उत्तर है NH3, मतलब कि अमोनिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं, सपाट अस्थियां कहाँ पे पाई जाती हैं। चलिए ऑप्शन है, खोपड़ी, पैर, हाथ और इसके साथ कान। कान नहीं, नॉन आप डिज कर दीजिए। तो सपाट अस्थियां पाई जाती हैं आपके खोपड़ी में। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जरूर लाइक कर दें आप लोग। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइक्स की संख्या बेहद कम रहती है, इसीलिए बार बार कहना पड़ रहा है। और अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो इसे कुछ सेकंड ले करके शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ पाए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि क्वार्टर्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है, जो क्वार्टर्ज होता है ये किसका क्रिस्टलीय रूप होता है। और आपको अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है Al, एल्युमिनियम, सिलका, ब्रोमीन और मैग्नीशियम। ये सिलका है, एल्युमिनियम है, ब्रोमीन है और मैग्नीज है। स्फटिक या फिर क्वार्टर्ज किसका क्रिस्टलीय रूप होता है, ये आपको बताना था। तो इसके लिए सही उत्तर है सिलका का। अगला है कि फ्रेयान का प्रयोग किस रूप में करते हैं, जो फ्रेयान होता है इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है और इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं लग रही है। यहाँ पे इस पेज में जितने भी क्वेश्चन है उनके लिए कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि इनका उत्तर तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। फ्रेयान का यूज हम करते हैं प्रशीतक के रूप में, मतलब कूलिंग करने के लिए। अगला है कि DDT का आविष्कार किसने किया था। DDT एक टीका होता है और इसका आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, DDT का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था पाल मुलर के द्वारा। अगला है कि चूहे मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो चूहे मारने के लिए हम जिंक फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, जिंक फास्फाइड। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, जो हेली धूमकेतु है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। और आपको ऑप्शन बता दें तो ऑप्शन है 70, 76, 78 और 82। तो आशा है कि आपने हेली धूमकेतु का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आपको बता दें कि यह एक धूमकेतु है और ये हर 76 साल बाद आपको दिखाई देता है। कितने साल बाद, तो 76 साल बाद। पिछली बार ये कब दिखा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पिछली बार ये कब दिखा था, ये आप जान लीजिए। ये दिखा था 1986 में, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये अगली बार ये 87 में दिखा था, 86 या फिर 87 में, यही करीब करीब है। अगले बार ये 2061 या फिर 62 में दिखेगा। पिछली बार जब ये जापान का एक मतलब कि सैटेलाइट था, उसके आप मतलब कि नज़दीक से होके गुजरा था, और इसीलिए इसका फोटो अच्छे तरीके से लिया जा सका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं, सबसे अधिक। तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी हम दे सकते हैं। यह है थोरियम, एल्युमिनियम, Ag और इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि TH मतलब थोरियम होता है, हम आपको बता दे रहे हैं। थोरियम, एल्युमिनियम, Ag और इनमें से कोई नहीं। किसके अधिक, किस धातु के अधिक भंडार है। तो भारत में देखिए, वैसे तो अभ्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अगर धातु पूछा जाए तो इसके लिए सही उत्तर है थोरियम। अगला है कि किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। ऑप्शन चाहिए तो A, C, D, K। किस विटामिन के द्वारा जो आपका रक्त है वो जमता है, ये आपको बताना होगा।
तो इसके लिए सही उत्तर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के पत्तियों का हरा रंग होता है किसके कारण? तो ये तो बेहद आसान है, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं, देखते ही इसका उत्तर बताने लायक है। तो इसके लिए सही उत्तर है क्लोरोफिल। आपने कई बार पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियों का कलर है ये हरा होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह तापमान बताइए जिस पर कि गैस का आयतन शून्य हो जाता है, क्या कहते हैं उसे? तो ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, जहां पे ऑप्शन की जरूरत है वहीं पे हम आपको ऑप्शन देंगे। तो आपने पढ़ा होगा परम शून्य तापमान के बारे में। परम शून्य तापमान ये होता है कि किसी भी गैस का आयतन वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं, जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? चलिए ऑप्शन चाहिए तो नाइट्रोक्साइड, नाइट्रोक्साइड और नाइट्रेट और नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन को लेते हैं ये लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। और दरअसल होता क्या है कि जो हमारे वायुमंडल में गैस उपलब्ध है नाइट्रोजन, जो कि 78% है, ये नाइट्रोजन के रूप में है लेकिन ये नाइट्रेट के रूप में नहीं है, NO2 के रूप में। तो जो पौधे होते हैं इसीलिए इसको ले नहीं पाते हैं। हमारे वायुमंडल में भारी मात्रा में नाइट्रोजन होने के कारण भी हमें खेतों में यूरिया डालना पड़ता है, जिसमें कि कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 46%। अगला है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो चलिए ऑप्शन ले लीजिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यही दो ऑप्शन है आपको, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है? तो इसके लिए सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये एक शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो कि आपके शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अगला है कि खाना, पाचित खाना कहाँ पे अवशोषित होता है? जो पाचित खाना होता है कहाँ पे अवशोषित होता है, ये तो आप जानते होंगे, कौन सी आंत में होता है यही पूछा गया है सीधे सीधे। तो ये होता है क्षुद्रांत में, मतलब कि छोटी आंत में। अगला है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? देखिए जब तक आम कच्चा रहेगा उसमें सी पाया जाएगा, प्रचुर मात्रा में सी होता है क्योंकि वो खट्टा होता है। और यहाँ पे पके हुए आम में पूछा गया है, तो चलिए ऑप्शन है ए सी, बी सी, सी डी और डी के, कौन पाया जाएगा जब आम पक जाता है? तो इसके लिए सही उत्तर है ए एंड सी, ये पाया जाता है जब आम पक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग, तो देखिए प्राथमिक रंग होते कौन कौन से हैं, इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, ये होता है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल ये प्राथमिक रंग होते हैं। मतलब क्या है प्राथमिक रंग से क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि इनके अलावा अगर कोई भी कलर बनाना हो तो इन्हीं कलरों को किसी न किसी अनुपात में मिला करके हम बना सकते हैं, ये होते हैं प्राथमिक रंग। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे इसके अलावा जो कलर होते हैं उनको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्हें द्वितीयक कलर भी कहा जाता है। लेकिन कहीं पर भी पूछा जाए, टीवी ही नहीं कहीं पर भी, कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो यह नीला, हरा और लाल। तो अगला है कि पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून बाहर आता है, क्यों? जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो नाक से खून बाहर आने लगता है, क्यों? तो यहां होता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर के कारण वहां पे खून आने लगता है। और ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछा जाता है, पूछा जाता है कि पहाड़ों पे खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो वही होता है, वहां पे हाई प्रेशर होता है और जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भी यही प्रक्रिया होती है, उसमें भी हाई प्रेशर के कारण ही खाना बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक खींचे गए रबड़ बैंड में किस तरह की ऊर्जा होती है?
जो एक रबड़ बैंड खींचा होता है, मान लीजिए रबड़ है और आपने इसे खींच करके यहाँ पर रखा है, खींच करके आपने रखा है छोड़ने के लिए, जैसे कि तीर धनुष चलाते हैं तो उस तरह आपने खींच करके रखा है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? देखिए, जब तक ये खींचा है इसमें आपको ऑप्शन चाहिए, तो चलिए ऑप्शन ले लीजिए, गतिज, स्थितिज, इसमें से बताइए गतिज या फिर स्थितिज। तो देखिए ये खींचा हुआ है तो इसमें होगी स्थितिज ऊर्जा, और जब ये छोड़ा जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में। तो अगला क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी आ चुका है, तो चलिए इस आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो इसके लिए उत्तर आ चुका है, ये है फेफड़ा। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ सेकंड का समय लेके इसे शेयर कर दीजिए, और जो लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है इसे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि इस तरह की वीडियो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अगर आपको उनका पीडीएफ चाहिए तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। sarkarieexam.me पे आपको जाना होता है, वहाँ पे जाके आप कई तरह की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि वनस्पतियों में जीवन होता है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। ऑप्शन चाहिए तो आर्यभट्ट, न्यूटन, जेसी बोस एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही उत्तर है जेसी बोस ने। अगला है कि अनुवांशिकता का जो हम अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पिता का गुण उसके बेटे में आना, इसको क्या कहते हैं? तो इन सब क्वेश्चनों का तो उत्तर आपको पता होना चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ये होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है जो कि पिता के गुण को बेटे में आने को हम अध्ययन करते हैं, जिसको कि अनुवांशिकता कहते हैं, अनुवांशिकता। अगला है कि गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? देखिए गाय के दूध में पानी की मात्रा होती ही होती है, और आप देखेंगे कि आपके ब्लड में भी पानी की मात्रा है, तो गाय के दूध क्या है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 20%, 60%, 80% और 30%। कितना होती है गाय के दूध में पानी की मात्रा? तो ये होती है 60%। अगला है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन चाहिए तो NH3, CH4, SO3 और S8। तो गोबर गैस में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है मीथेन। कल के वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन कवर किया था, मीथेन होता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, तो इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। और खदानों में आग लगने के लिए ये उत्तरदायी होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है आंत, लिवर, फेफड़ा या फिर यकृत। पित्त का स्राव किसके द्वारा होता है? वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि पित्त का स्राव पूछा जाए, मतलब निकलना पूछा जाए, तो ये निकलता है यकृत के द्वारा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे संचित होता है, इकट्ठा होता है, स्टोर होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? जो पायरोमीटर होता है उसका उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो ये टेम्परेचर मापने में किया जाता है, हाई टेम्परेचर के लिए। अगला क्वेश्चन है, खसरा बीमारी किसके कारण होती है ये बताइए कमेंट करके। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु और बैक्टीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खसरा बीमारी किसके कारण होती है यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ये होती है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन थे? बेहद आसान क्वेश्चन और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, लेकिन है बेहद आसान।
तो ये किया गया था कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बैबेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वाई के लिए दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? जो जल वाष्प की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विशिष्ट आर्द्रता। अब अगला क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शन मिलने वाला है कि नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब कि जब नेत्रदान होता है तो कौन सा हिस्सा दिया जाता है या फिर लिया जाता है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है कर्निया, आयरिस मतलब कि पुतली, और इसके साथ साथ होता है रेटिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा हिस्सा नेत्रदान में दिया जाता है ये आपको बताना होगा। तो इसके लिए सही उत्तर है कर्निया। अगला क्वेश्चन है कि एपीफाइज वे पौधे हैं जो कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो किस लिए आश्रित रहते हैं ये आपको बताना है। जो एपीफाइज पौधे होते हैं ये दूसरे पर आश्रित होते हैं ये तो पता ही है, लेकिन ये किस लिए मतलब कि आश्रित रहते हैं? तो ये रहते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला है कि जब किसी पिंड के वेग को आप दोगुना कर देंगे तो उसके संवेग पे क्या असर पड़ेगा, संवेग पे क्या असर पड़ेगा? और संवेग हो जाएगा 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना या फिर 16 गुना। यदि किसी पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग पर क्या असर पड़ेगा, ये पूरा क्वेश्चन है। तो देखिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब यहाँ पर भी संवेग में 1 का मल्टीप्लाई है तो v में भी 1 का मल्टीप्लाई है, यानी कि जब वेग को आप दोगुना करेंगे तो उसका जो संवेग है वो भी केवल क्या होगा, 2 गुना ही होगा। जितना मतलब जितना गुना वेग को करेंगे संवेग उसका उतना ही गुना होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है, जो भ्रूण होता है उसको भोजन किस माध्यम से मिलता है? जो भ्रूण मतलब कि जो पेट में बेबी होता है या फिर जानवरों के भी या फिर किसी के, इसकी बात हो रही है, तो ये मिलता है गर्भनाल के द्वारा, जो गर्भनाल होती है उनके द्वारा उनको भोजन मिलता है। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए ये है ऑप्शन आपके NaCl, HCl और NaOH, और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू लग रहा है, जैसे कि आपको लग रहा है कि वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपको करना क्या है कि दाएं तरफ आपको 3 डॉट का बटन दिख रहा है मोबाइल में, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्वालिटी का, क्वालिटी पे क्लिक करिए। वहाँ पे एक हाई क्वालिटी का ऑप्शन होगा, मतलब कि 144 होगा, 360 होगा, 720 होगा, तो जो आपको मैक्सिमम दिख रहा है आप उसे क्लिक करिए और ये आपको अच्छे तरह से दिखने लगेगा। तो कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH। अगला है कि लक्स किसकी इकाई है, लक्स, तो इसके लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। तो लक्स है प्रदीप्ति की स्तर का। अगला है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ऑप्शन चाहिए तो बी, सी, डी और ए। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बेहद आसान क्वेश्चन। तो ये होता है विटामिन डी, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स होता है, रिकेट्स मतलब क्या होता है, रिकेट्स तो आपने बहुत बार सुना होगा। रिकेट्स मतलब होता क्या है, तो जो हड्डियाँ होती हैं बच्चों की खास करके, वो कमजोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ये होता है रिकेट्स। और देखिए विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में वैसे नहीं होता है, जब ये आपके शरीर पे पड़ता है, जब आपके शरीर के त्वचा पे ये पड़ेगा, तो यहाँ पे जो आपके शरीर के अंदर त्वचा के अंदर फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इससे रिएक्ट करके विटामिन डी बनाता है। अगला है कि मटमैला जल किसका उदाहरण है, मटमैला जल किस तरह के विलयन का उदाहरण है? ऑप्शन है कोलाइडी, नॉन कोलाइडी, ये ऑप्शन है आपके पास 2। देखिए जो मटमैला जल होता है ये एक सस्पेंस होता है, सस्पेंस का मतलब कि उसमें जो भी पदार्थ
पार्ट घुले होते हैं गंदगी के, उसमें तैरते रहते हैं, और जब तैरते रहते हैं कोई भी पार्ट किसी भी लिक्विड में, तो यहाँ पे कोलाइडली गति वाली रूल लगता है। अगला है कि पेड़ की वायु को ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन। तो पेड़ की आयु को ज्ञात करने के लिए उसके जो भी इसमें बलय होते हैं उनको हम काउंट करते हैं, ये होता है पेड़ की आयु को काउंट करने का तरीका। पानी में साबुन को घोल दिया जाए तो यह किस तरह का उदाहरण है, और ऑप्शन आपको यही है दोनों, पानी में साबुन को घोल दिया जाए तो देखिए जहां पर भी पानी के अंदर कुछ दिखेगा तैरते हुए वहां पर होगा कोलाइडली विलयन। अगला है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो बेहद आसान क्वेश्चन और सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे, ये होता है 206। हालांकि एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा और आशा है कि आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे, जो बच्चे होते हैं बेबी होते हैं छोटे बच्चे उनमें कितनी हड्डियाँ होती है कमेंट करके बताइए, इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइए उनमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। अब चलिए कुछ और बता देते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो यह है फीमर। कहाँ पे होती है ये, तो जांग में। और छोटी हड्डी क्या क्या नाम है, स्टेपीज, ये कहाँ पे होती है, तो मिडिल ईयर में, मतलब कि मध्य कान में। अगला क्वेश्चन है कि तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है, मतलब कि तापमान को किसमें मापते हैं, सीधे सीधे ये है, तो ऑप्शन है फ्लक्स और इसके साथ है केल्विन, मीटर या फिर किलोलीटर। तापमान की प्राथमिक इकाई मतलब कि इकाई, तो ये होता है केल्विन। अगला क्वेश्चन है कि आतिशबाजी में जो लाल रंग निकलता है उसका कारण क्या है। देखिए आतिशबाजी मतलब कि पटाखा जलाने में जब लाल रंग निकलता है पटाखे से उसका कारण क्या है, ये पूछा गया है, तो ये होता है स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के कारण। अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण, तो ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बन सकता। तो टमाटर में लाल रंग होते हैं लाइकोपीन के कारण, जैसे कि पूछा जाता है कि हरे रंग पौधे में क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। अब अगला है कि गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है, चलिए ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कमेंट करके बताइए। तो इसके लिए सही उत्तर है हीलियम। आखिर हीलियम ही क्यों, हीलियम ही क्यों, नाइट्रोजन क्यों नहीं, तो हीलियम इसलिए क्योंकि ये हल्की होती है। अब देखिए गुब्बारा को हम क्या करेंगे, जब हम गुब्बारा पकड़े रहते हैं तो गुब्बारा ऊपर को टंगा होता है, और कारण ये है कि जो भी हल्का होता है ऊपर चला जाता है, तो अगर इसमें हीलियम के अलावा हम कोई और नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन भर दें जो कि भारी हो, तो ये गुब्बारा ऊपर कभी जाएगा ही नहीं, हम यहाँ पकड़े रहेंगे अपने हाथ में तो यहाँ से नीचे ही रहेगा, तो इसलिए इसमें हीलियम भरा जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी हम भर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है। और यहाँ पे देखिए हीलियम में एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो वायुयान है उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, जो जहाज होती हैं प्लेन की बात हो रही है उनमें कौन सी गैस भरी जाती हैं, तो प्लेन में भरी जाती हैं हमेशा और हमेशा हीलियम ही, हीलियम ही भरी जाती है प्लेन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है, लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है किससे, तो ये मिलता है हमेशा हेमेटाइट से। अगला है कि चीली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है, चीली साल्ट पीटर NaOH, NaNO3, NH3 और इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है NaNO3। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑप्शन है नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर। तो सबको पता है कि सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन 78%, और विटामिन के वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगला है कि लार में क्या होता है, लार में लार कैसा होता है। बस आपको दो ऑप्शन है, अम्लीय या फिर क्षारीय। तो लार होता है हमेशा और हमेशा अम्लीय। अम्लीय का मतलब कि इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 0 से 7 के बीच में। अगला है कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, मतलब कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 2.2, 3.26, यहाँ पे 4.32 और 5.101। कहने का मतलब कि प्रकाश वर्ष में कितना का मल्टीप्लाई कर दें कि पारसेक आ जाए। तो ये होता है 3.26। देखिए प्रकाश वर्ष मतलब कि ये एक बड़ा मात्रक है, लेकिन अगर इसमें 3.26 की मल्टीप्लाई कर दें तो यह एक पारसेक के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा किसके उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा किसके उपग्रह हैं, और ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, वैसे ले लीजिए। बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति। सबसे ज्यादा किसके उपग्रह हैं। तो इसके लिए सही उत्तर है बृहस्पति के। और अगला है कि 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, 1 हॉर्स पावर का मान मतलब कि 1 HP का मान। तो ये तो आसान क्वेश्चन है और कई बार इसको हम कवर कर चुके हैं अपने वीडियो के दौरान। तो ऑप्शन है तो ये है 746, 756, 786 और इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको बताना होगा आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है। तो इसके लिए ऑप्शन नहीं देंगे, आप कमेंट करके बताइए पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में कौन सा ग्रह है। देखिए जिनका उत्तर लगभग पूरी तरह क्लियर है कि एक ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, उनका ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जिनके उत्तर में आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है उनका हम ऑप्शन दे देंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में तो कोई भी बता सकता है, और इसके लिए सही उत्तर क्या होता है। तो पहला होता है बुध, बुध के बाद क्या आता है शुक्र, शुक्र के बाद क्या आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है मंगल, मंगल के बाद क्या आता है तो बृहस्पति। अब देखिए पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में क्या है, तो मंगल है, सही उत्तर है मंगल। अगला क्वेश्चन है कि निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन ऑप्शन है चाय में, तंबाकू में, कॉफी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए निकोटीन पाया जाता है हमेशा और हमेशा तंबाकू में। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन है CH3, CH4, NH3 और CH6। मीथेन का रासायनिक सूत्र इसी वीडियो के दौरान हमने 2 बार बताया है आपको। तो इसके लिए सही उत्तर है CH4, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, और गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, खदानों में पाई जाती है, आग लगने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि क्वासियोकर बीमारी होती है किसकी कमी से, क्वासियोकर बीमारी होती है किसकी कमी से। ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल या फिर नॉन ऑफ दीज। तो देखिए क्वासियोकर बीमारी होती है अक्सर करके बच्चों में, और ये होती है प्रोटीन की कमी से। अगला है कि न्यूमोनिया किसके कारण होता है, ऑप्शन वही है जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया या फिर इनमें से कोई नहीं, कमेंट करके बताइए। न्यूमोनिया जो कि बच्चों को होता है अधिकतर,
जो कि आपके शरीर के फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ से निमोनिया से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के कारण। एक पूछा जाता है कि आपके शरीर के किस भाग को ये नुकसान पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है फेफड़े को। अगला है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन किसका है, मतलब सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है ये क्या है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बेहद आसान क्वेश्चन, और कल के वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसके लिए सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है लगभग लगभग 74%। इसके बाद से इसमें हीलियम भी पाया जाता है, और इसके अलावा कुछ ठोस पदार्थ भी पाए जाते हैं 1% के आसपास। और देखिए सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय ईंधन की बात की गई है, तो यहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और संलयन मतलब क्या होता है कि जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक बनाए तो इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, और जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाए तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में पानी की मिलावट की जांच कौन करता है। दूध में अगर पानी की मिलावट की गई है तो इसको जांच करना हो तो किससे करेंगे, ये बताइए। और इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो ये जांचा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति होती है किसमें, तो जो ये देखिए इसके लिए थोड़ी सी मिसटाइपिंग है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब कि मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का, ऊर्जा पूछा गया है। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। देखिए दूरदर्शी का पूछा जाएगा तो गैलीलियो तो सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी जो कि छोटे चीजों को देखने के लिए बना है। तो कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो ये किया गया था जेट जॉनसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर उसके जो सरफेस टेंशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए जल में पृष्ठ तनाव है, जैसे कि यहाँ पे जल है और इसमें मच्छर तैर रहे हैं। अब इस जल में अगर आप साबुन को घोल देते हैं तो क्या असर पड़ेगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, या फिर कोई कुछ नहीं होगा, यही आपको बताना है। तो अगर जल को घोला जाए या फिर इसमें केरोसिन का तेल डाला जाए तो इसका जो पृष्ठ तनाव होता है ये घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए संश्लेषण को किसने प्रतिपादित किया था, तो ये प्रतिपादित किया गया था कान बर्ग के द्वारा। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व तो कौन सा है, नाभिकीय रिएक्टर में। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में होता क्या है कि यहाँ पे इस क्रिया को कंट्रोल में रखने के लिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलते हैं उन्हें हम शोषित करने के लिए कुछ चीज़ें लगाते हैं, और ये होता है कैडनियम। अगला है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, मतलब कौन नियम जड़त्व के नियम के बराबर है, और वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण बनता है, मतलब कि सीधे सीधे आपको बताना है कि कहाँ पे बनता है, और इसके लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है, कहाँ पे बनता है ये आपको बताना है। तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी, जिसका उत्तर डायरेक्ट और सीधा है उसका हम आपसे नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका उत्तर तो आपको पता ही होना चाहिए। इंसुलिन की खोज, तो इंसुलिन की खोज की गई थी बेटिंग और बेस्ट के द्वारा। अगला है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है क्या, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। विद्युत तीव्रता, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर और इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 में से कौन सी कीड़े निकलती हैं, अल्फा, बीटा,
गामा और इनमें से कोई नहीं। तो कोबाल्ट 60 में से हमेशा गामा किरणें निकलती हैं और जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका इलाज करने के लिए कोबाल्ट 60 या फिर गामा किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को मापने किस में मापते हैं? जो भोजन द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम किस में मापते हैं? जूल में, कैलोरी में या फिर हाई कैलोरी में? छोड़िए इसको, बस दो ही ऑप्शन, नॉन ऑफ दीज, इन्हीं में से है जूल या फिर कैलोरी। जो मानव शरीर में ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं? तो ये मापी जाती है कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सबसे, यहाँ पे कैलोरी होगा, और वायु में सबसे बड़ा घटक किसका है? तो नाइट्रोजन का है, यहाँ पे 78% पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर पे क्या लेपित किया जाता है? तो जस्ता चढ़ाने मतलब कि जस्ता ही लेपित किया जाएगा और इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगला है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर, द्रव्यमान पर, आयतन पर या फिर इनमें से कोई नहीं? वाष्पन की दर, तो ये द्रव के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा मतलब कि वाशिंग सोडा किसको कहते हैं? वाशिंग सोडा का रासायनिक क्रिया क्या है, नाम क्या है, यही तो पूछा गया है। तो ये होता है, चलिए ऑप्शन चाहिए तो NaCO2, NaCO3, NaCl या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला है कि ग्लोबिंग वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? देखिए ग्लोबिंग वार्मिंग क्या होता है कि हर साल जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है इसे हम ग्लोबिंग वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इसमें क्या होता है कि इसके लिए उत्तरदायी गैस है CO2 और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि जो विद्युत धारा है ये किससे मापते हैं? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है अमीटर, थर्मामीटर और इस तरफ प्रतिरोध या फिर एम्पियर, किसमें मापते हैं विद्युत धारा को, किससे नापते हैं? तो ये होता है अमीटर के द्वारा। दूध जब फट जाता है तो उसमें कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये दो तरह से पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि दूध फट जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा, तो ये होगा लैक्टिक एसिड, या फिर ये पूछा जाता है कि दूध में खट्टापन कब उत्पन्न होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण ही। लैक्टिक एसिड से एक क्वेश्चन और बनता है, पूछा जाता है कि कौन सा एसिड है जो कि आपके मांसपेशियों में जब उत्पन्न होता है तो आपको थकान होने लगती है, तो ये भी सही उत्तर है, लैक्टिक एसिड ही। अगला है कि कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, मतलब कि मधुमेह रोग में कौन सी ग्रंथि मतलब कि इफेक्टेड होती है? तो ये होता है पेनक्रियाज। अगला है कि कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कान, आंख, नाक या फिर मस्तिष्क? बेहद आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है आंख। अगला क्वेश्चन है कि माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग पे क्या असर पड़ेगा? माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए कहने का मतलब क्या है, आपको ऑप्शन बताना है कि बढ़ेगा, घटेगा या कुछ नहीं होगा, अपरिवर्तित, ये आपके ऑप्शन हैं। जैसे कि एक रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे प्रकाश गुजार रहे हैं, एक रूम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे जब हम प्रकाश गुजारेंगे इस रूम से तो इसके जो वेग है इस पे क्या असर पड़ेगा? तो देखिए जो ताप का है इसके प्रकाश के वेग से कोई मतलब नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला है, और इसका हम ऑप्शन दे सकते हैं, दो ऑप्शन, लेकिन
हम आशा करेंगे कि आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। डायनोमो क्या करता है, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, ये आपको बताना है। तो डायनोमो करता क्या है, तो डायनोमो ये करता है कि जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको बदल देता है विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत मोटर होता है इसी का उल्टा काम करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है एड्स का फुल फॉर्म। चलिए कमेंट करके बताइए, हम रुके हैं यहाँ पे 5 सेकेंड, कमेंट करके बताइए एड्स का फुल फॉर्म। तो इसके लिए सही उत्तर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको याद कर लीजिए, कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट परीक्षाओं में। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊष्मा का मुख्य स्रोत हमारे धरती पे ऊष्मा कहाँ से आ रही है, यही तो बताना है आपको। तो सही उत्तर क्या होगा, सूर्य। अगला है कि जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, ऑप्शन दे दें तो सिलिका, सीमेंट, मोरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं सीमेंट के निर्माण में। अगला है कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए उत्तर कमेंट करके बताइए। देखिए अमोनिया NH3 होता है और इसमें H है और N है, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्रयोग में लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, विषाणु में। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनका उत्तर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। सही उत्तर है लाइकोप्रोटीन। अगला है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए एक व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ा। पहले हम आपको ऑप्शन बता दें, 45, 46, 47, फिर 48, ये आपके ऑप्शन है। 23 जोड़ा होता है या फिर 46 होता है नॉर्मल मनुष्य में, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से व्यक्ति पीड़ित होगा उसमें कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ये होता है 47, उस व्यक्ति में एक जो गुणसूत्र है बढ़ जाता है। अगला है कि एड्स बीमारी होती है और ऑप्शन है वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फिर विषाणु द्वारा। तो एड्स होती है वायरस के द्वारा। अगला है कि कृत्रिम रेशम को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशम नायलॉन, रेयान, जूट या फिर इनमें से कोई नहीं। कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है, तो कृत्रिम रेशम कहा जाता है रेयान को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू लग रहा है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन गलत है, तो आप हमें वीडियो की टाइमिंग के साथ अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो वो क्वेश्चन सही कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना है क्वेश्चन और टाइमिंग, मतलब कि कितने मिनट कितने सेकेंड पे, मतलब कि 23 मिनट 20 सेकेंड पे ये प्रॉब्लम है, ये गलती है, तो इस तरह आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, सामान्य नमक का सूत्र। नमक का सूत्र तो सबको पता होना चाहिए और इसके लिए ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। ये होता है NaCl। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो अभी हम बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात को। अगला है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम बताइए। चलिए हिंट दे देते हैं, तीन ऑप्शन, NaCl, NaCO2, NaCO3, खाने के सोडा, या फिर एक और होता है, इसका सही उत्तर होता है सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। अगला है कि पीतल मिश्र धातु है किसकी, जो पीतल मिश्र धातु है किसको किसको मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा। चलिए ऑप्शन है Cu+ Zn, Ag+Br, टीन प्लस लेड और इनमें से कोई नहीं।
तो ये होगा Cu प्लस Zn, कापर और जिंक। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर आइजक न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने ही सबसे पहले बताए थे कि मतलब पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसा बल है जो कि किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। अगला है कि बैटरी का धन ध्रुव क्या होता है? और ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है कैथोड या फिर एनोड, बस दो ऑप्शन, कैथोड और एनोड। 50-50 हो गया आपके लिए, आपको केवल दो ऑप्शन मिलता है। बैटरी के धन ध्रुव को क्या कहते हैं? तो देखिए, धन ध्रुव को कहते हैं, इसमें से क्या होगा, एनोड। अगला है कि फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? लोहे की संयोजकता, ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता, तो ये होता है 3 प्लस 3। तो देखिए, वीडियो अब बस खत्म होने वाली है, कुल मिला के 2 मिनट और। लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में इतनी कोताही बरतते हैं, तो आप इसे जरूर लाइक करिए। आपको बता दें कि हर रोज शाम को 8:30 पे ये वीडियो आपको मिलती रहती है। इस तरह की वीडियो लुसेंट जीके के तहत ऑलरेडी कवर की जा चुकी है, लेकिन यहाँ पे इसको टेस्ट के रूप में बनाने के लिए फिर से कवर करना पड़ रहा है। हालांकि इससे आपका अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाएगा, आपका एक टेस्ट भी हो जाता है। तो टेस्ट देने के लिए हर रोज 8:30 पे आप आ सकते हैं। अगला है कि एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है किसमें? ऑप्शन बताएं तो ऑप्शन है आम, गाजर, आंवला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एस्कार्बिक एसिड मतलब कि विटामिन सी, और विटामिन सी मतलब कि आंवला, विटामिन ए मतलब कि गाजर। तो अगला क्वेश्चन है कि एड्स फैलता है, एड्स क्यों फैलता है? तो अभी हमने आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो, कि एड्स किससे होता है, तो वायरस द्वारा होता है। तो मतलब कि अगर आप वायरस से इफेक्टेड कोई भी ब्लड लेते हैं या फिर कोई भी छुआछूत वाला वैसे होता है जो कि यौन संबंध हो, तो वहां पे आपको एड्स फैलने की चांसेस होते हैं। अगला है कि इंटेल किससे संबंधित है? इंटेल, इंटेल ऑप्शन है कंप्यूटर, नेटवर्क, बस इसी में से बताइए। तो इंटेल आपने सुना होगा, इंटेल का i3, i4, i3, i5, i7, तो ये है कंप्यूटर से रिलेटेड। और वायु किसका उदाहरण है, मतलब कि वायु क्या है, कई चीजें इसमें मिली हुई हैं, तो क्या कहेंगे इनको? देखिए, जहां पे कई चीजें मिली हो और जिनकी कोई नियमित मात्रा ना हो, ये कम बेसी भी होती रहे, तो ये होता है मिश्रण। अगला और अंतिम क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा धातु प्रयोग में लाया जाएगा? आज का अंतिम क्वेश्चन है और इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता पाएंगे। और इस वीडियो की PDF उपलब्ध नहीं होगी, तो इसके लिए सही उत्तर है लोहा, या फिर इसे नरम लोहा भी कहा जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप इस तरह की वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, हालांकि इस वीडियो की PDF उपलब्ध नहीं है, लेकिन और भी PDF उपलब्ध है। आप इस वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो इस तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।